हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरी इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं एक सिविल इंजीनियर को, एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को, तो वो कुछ 5 क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज की सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं एक पार्ट और बना चुका हूँ, उसमें मैंने ये बताया हुए हैं कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। तो दोस्तों, जो स्लोप होता है हमारे स्टेयर केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टेयर केस के लिए। जो स्लोप से ही हमारी स्टेयर जो रहती है वो मेंटेन रहती है बिल्कुल। तो दोस्तों, उसी की हम बात करते हैं कि ये स्लोप कितना दिया जाता है, कितने एंगल तक दिया जाता है। तो दोस्तों, ये मेनली 25 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में आप दे सकते हैं। 25 से आप कम नहीं देना चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये है स्टेयर का एंगल, मतलब स्लोप। दोस्तों, आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राइजर ऑफ स्टेयर। हमारा जो राइजर है दोस्तों, वो कितना कम होना चाहिए और कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, 250 mm से कम नहीं होना चाहिए हमारा राइजर स्टेयर का, और 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ होता है, 250 से लेकर 300। अब दोस्तों बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ की। तो दोस्तों, डेवलपमेंट लेंथ जो होती है, जैसे हम सरिया प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हमारा आगे बढ़ी हुई थोड़ी हमें लेंथ छोड़नी पड़ती है। जैसे एल प्रोवाइड जो किए जाते हैं, तो दोस्तों यही डेवलपमेंट लेंथ होती है, इसे LD कहा जाता है दोस्तों। इसके बारे में मैंने एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, चैनल पे आप देख सकते हैं LD के बारे में। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है, कितने CFT में होता है या कितने मीटर M³ में होता है। तो दोस्तों, ये जानते हैं कि कितना होता है। तो दोस्तों, ये होता है 1.25 CFT, मतलब क्यूबिक फीट, और हमारा 0.0347 मीटर क्यूब। तो दोस्तों, ये होता है 1.25 CFT में और 0.0347 मीटर क्यूब में होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं हमारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है हाइट ऑफ किचन और बाथरूम। किचन की हाइट और बाथरूम की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वो होनी चाहिए 3 मीटर। 3 मीटर तो होनी ही चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा वो चल जाएगा, लेकिन 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चंस। हमारे चैनल पे ऐसे और भी क्वेश्चंस की वीडियोस आने वाली हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।